जिंदाबाद 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 मोर्चा जिंदाबाद। 26 से 28 नवंबर 2023 तक देश भर में किसान और मजदूरों द्वारा संयुक्त महापड़ाव आह्वान के तहत आज जम्मू कश्मीर किसान तहरीक और सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन की जम्मू कश्मीर इकाई ने महाराजा हरि सिंह पार्क जम्मू के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर किसान और मजदूरों के खिलाफ नीतियाँ बनाने का आरोप लगाया। इस प्रदर्शन में CPIM के नेता मोहम्मद यूसुफ तारेगामी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर किसान तहरीक और सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन की जम्मू कश्मीर इकाई के सदस्यों ने धरना दिया। इस अवसर पर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा कि बढ़ती कीमतों के कारण किसान, श्रमिक और आम लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण किसानों के साथ मजदूरों और देश के गरीब लोगों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। बल्कि हकायक की रोशनी में बताना होगा, देशवासी चाहते हैं कि हमें मिला क्या, हमें क्या मिला महंगाई के बगैर, हमें क्या मिला झूठे वादों के बगैर, हमें क्या मिला बदहाली के बगैर। और इसीलिए आवाज उठाना आज जुर्म बना है आज। लेकिन हमारी तहरीक ने, आज़ादी की तहरीक ने हमें ये अधिकार दिया, हम भी जेल जाएंगे। ये कहते हैं कि हमने इमरजेंसी नाफिस नहीं की, मैं इमरजेंसी के वक्त जेल में था, लेकिन तब जेल के अंदर जो हालात थे शायद बेहतर थे जो मुझे बाहर नज़र आ रहे हैं। और इसी वजह से मेरी अपील है इस सरकार से, हमारे देशवासियों को सजा मत दो, हमारे देश को कमजोर मत करो। और जम्मू कश्मीर के लोग, हमारी बोली अलग अलग हो सकती है, हमारा कल्चर उठना बैठना अलग अलग हो सकता है, लेकिन रौनक होती थी यहाँ जब हम सब मिलकर कभी दरबार मुंह के नाम पर, कभी असेंबली के नाम पर यहाँ कुछ गहमा गहमी होती थी हमारे इस तारीखी मंदिरों के शहर जम्मू में। कहाँ गई वो, वापस दो हमें। और ये एक ऐसी सरकार है कि बाकी जगहों पर 56 इंच का सीना तान कर चुनाव हो रहा है। माशा अल्लाह मेरे भाई, जो ही चुनाव का नाम आता है जम्मू कश्मीर में, इस सरकार के जोमों को जुकाम होता है। ना करो ऐसा, दवाई की पिल देंगे जुकाम से बचाव होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के आवाम को जम्हूरियत से दूर मत रखो।